अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपना पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी के ग्लोबल विलेज का और भी बहुत सारे फन चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस व्लॉग में होने वाला है एक ट्विस्ट, तो इस व्लॉग को आप लोगों ने कम्प्लीट देखना है। तो वेलकम बैक आप लोगों को मैं करती हूँ टू अनदर व्लॉग। अंदर इंटर हुए हैं तो यहाँ पे इस तरह से हैंड वोवन शॉल्स हैं, लेदर के बैग्स, लेदर की जैकेट्स, कपड़े। पाकिस्तान में तो वो भी होना चाहिए ना। क्या अरे जरा राइट्स वाली साइड पे हमने ऑलमोस्ट सारे गेट देख लिए। सब गेट्स के अंदर बस यही है कि अंदर शॉप्स वगैरह हैं, कुछ खास तो नहीं है। बट ये है कि सिर्फ अगर आप बाहर से गेट्स देखें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया का कल्चर यहाँ पे आ रहा है। ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए आए थे तो सब गेट्स के अंदर जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो बाहर बाहर से सब देखा। तो हमारा तो आई फिर दिन अल्लाह रबियो, ये अगर व्लॉग में ऐसे कर रहे नॉर्मली आप इनका मूड चेक करो। जा रहे झूलों की तरफ, उधर वाला मजा नहीं है यहाँ। ये तो बच्चों के लिए बना हुआ ना, मतलब अच्छी जगह ठीक है। असल में हॉन्टेड हाउस बिलीव इट और नॉट, जाना आई डू बिलीव, जाने की नहीं जरूरत। थाईलैंड है, आगे हम राइड्स के लिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी राइड्स हैं, कैसे कैसे हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी टिकट्स बाय करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक बंदे से मेरी टक्कर हो गई और मेरा पाँव जो पहले ही मुड़ा हुआ था वो दोबारा मुड़ गया और बहुत जख्मी हो गई। फिर से गिर गई हूँ, कुश्तियों में राइड्स में बैठने लगी थी और मैं एकदम से गिर गई हूँ और मेरे पाँव में इतनी तकलीफ शुरू हो गया। पहले भी गिरी हूँ और पाँव स्वेल हो गया था, अब डबल स्वेल हो गया। गिरने के बाद दर्द की इंतहा थी, मगर फिर भी झूलों में बैठने का शौक अपनी जगह बरकरार था। मगर ना चाहते हुए भी मैं झूलों में नहीं बैठ सकती थी, मुझे किसी ने बैठने की इजाज़त ही नहीं दी। 200 दरहम डाल दो सारे, ये देखें वो वाला 42 दरहम का है, ठीक है। अब मेरे पास झूलों को देख के इंजॉय करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था, ना मैं अफसोस के अलावा कुछ कर सकती थी, इसीलिए सोचा कि कुछ और करने से बेहतर म्यूजिकल शो देख लिया। शो खत्म हो गया, तो होगी तो आगे पीछे की। अब हम जा रहे अरे बहुत सारे। अच्छा कैसा लगा आपको, मतलब बहुत मजे का लगा। ग्लोबल विलेज इज ओवरऑल वेरी गुड, 9/10 बहुत मजे का है, बहुत मजे का है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा कल्चर मिलता है, वो सारा का सारा कल्चर आपको एक ही ग्राउंड के ऊपर मिल जाता है। बिल्कुल, अब देखे ना हम थोड़ी देर में पाकिस्तान से भी हुए हैं वापस। और सब ज्यादा मजा मिल लीजिए, एक बार फिर मैं आऊंगी क्योंकि मैं झूले नहीं ले सकी, मेरे पाँव में शदीद दर्द है, मेरा दोबारा पाँव मुड़ गया अभी और इसी वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। अब हम जा रहे हैं वापस। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को मखना से आए होए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। जाते हुए हमें यहाँ पे इंडिया के गेट में एक बहुत ही मजे के ढोल वाले नजर आ गए, तो हम फिर वहाँ भी रुक गए।
साथ ग्लोबल विलेज पार्ट टू होता है ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए सबको बाय बाय।